Hindustantelevision.com विश्वास वही रफ्तार नई। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्ण के जन्म का उत्सव इस बार 30 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को भक्त कई नाम से पुकारते हैं और कथाओं में भगवान के सभी नामों के पीछे कोई न कोई कहानी बताई गई है। कृष्ण, वासुदेव, मुरारी और लीलाधर के नाम से पुकारे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी कृष्ण भक्त पहले से ही करने लगते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा भी सुनाई जाती है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्म कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म त्रेता युग में हुआ था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर और त्रेता युग के बीच कंस के कारागार में कृष्ण का जन्म माता देवकी के गर्भ से हुआ था। देवकी कंस की बहन थी और देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी को वासुदेव के राज्य में छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई जिसमें ये कहा गया कि देवकी की होने वाली आठवीं संतान कंस का वध करेगी। ये सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी सातों संतानों को मार डाला। आठवीं संतान कृष्ण ने जब जन्म लिया, उसी समय वृंदावन में नंद और यशोदा ने बच्ची को जन्म दिया था। तभी वासुदेव वृंदावन में कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुलाकर बच्ची को लेकर वापस कारागार लौट आए। कंस उस रात गहरी नींद में सो रहा था, उसे इन बातों का जरा भी ज्ञान नहीं था। कंस उस बच्ची को देवकी की आखिरी और आठवीं संतान समझकर मारना चाहा, लेकिन उस समय बच्ची ने देवी का रूप लिया और कंस से कहा कि तेरा काल गोकुल में पहुंच चुका है। उसके बाद कंस ने गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, किंतु वे सभी असफल रहे। अंततः कृष्ण के हाथों कंस का वध हुआ। इस तरह दुराचारी कंस से संसार को मुक्ति मिली। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का पर्व विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में मनाया जाता है। हालांकि देश के विभिन्न राज्यों में इसे मनाने का तरीका अलग अलग है। कोविड-19 को देखते हुए विभिन्न राज्यों में इस बार जन्माष्टमी का त्यौहार साधारण तरीके से ही मनाया जाएगा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।